नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर हमारे साथ हैं अशोक जी। अशोक जी, आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सर। अशोक जी, एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, और जो बताती है कि बहुत अच्छे से हमारे कार्य सभी रहे हैं और उन्होंने स्कूलों का निर्माण भी करा है, शिक्षा का भी कहीं बेहतर है वो कर दिया है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये देखिए, जो दिल्ली सरकार, मौजूदा दिल्ली सरकार है, इसने अब तक का दिल्ली का सबसे हाईएस्ट बजट एजुकेशन पर रखा, लेकिन वो बजट उन्होंने बिल्डिंगें बनाने में ज़्यादा खर्च किया है, ना कि उसकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए। सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बना रहे हैं, पता नहीं वो बन भी रही हैं नहीं बन रही, कहाँ बन रही हैं। कुछ वो इंटरनेट पर कुछ फ़ोटो वोटो भेजते रहते हैं, 5 स्टार टाइप की कुछ, और हमने डाला भी उस पर, जहाँ फेसबुक पे जो उनकी फ़ोटो आती है, भाई इनका एड्रेस तो बता दो कहाँ पर है, तो एड्रेस तो नहीं बताया अभी तक। वो फ़ोटो ज़रूर आती हैं सुंदर सुंदर, और हो सकता है कहीं बन रहे हों, तो बन रहेंगे तो पता चल जाएगा बाद में। लेकिन सबसे पहली बात, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर जगह इस बात को बोलता हूँ कि सुंदर बिल्डिंग है, सुंदर कुर्सी टेबल और सुंदर कंप्यूटर, ये बच्चों को पढ़ाई नहीं कराएंगे, पढ़ाई कराएगा मास्टर टीचर। आप टीचर नहीं भर्ती करेंगे, आपने ठेके पे टीचर रखे हैं, गेस्ट टीचर रखे हैं, मेहमान टीचर। बताओ ये किस देश में ऐसा होता है कि मेहमान टीचर हो? पूरी दुनिया अपने अपने एजुकेशन को लेकर के बहुत सीरियस है, और उसके ऊपर टफ कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसके ऊपर, टीचर्स को तैयार करने के लिए और आधुनिक शिक्षा को और बेहतर करने के लिए। वो परंपरागत शिक्षा से आगे निकल चुके हैं, यूरोप में, दूसरे फिलीपींस में, दूसरी जगह हम देखते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि भारत जो एक इतना बड़ा देश है जिसमें कि हर चीज़ की सुख सुविधाएं हैं, एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट अच्छे अच्छे हैं, उसके बावजूद इस देश की जो सरकारें कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, अभी टीचर नहीं है यहाँ पर। सरकारी स्कूलों की हालत देखो, मैं गया था मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, हम कुछ स्कूलों में जाकर के आए, बुराड़ी के इलाकों में जाके आए हम, तिलुकपुरी और इन इलाकों में हमने देखा, वो तो हालत तो वही जैसे तस है। कुछ स्कूल, दो एक स्कूल कहीं कुछ कर दिए होंगे तो कर दिए होंगे, मगर बिल्डिंगें बनाने से शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। हम तो कह रहे हैं भाई आप टीचर रखो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको बिल्डिंगें छोड़ो, आप पार्कों में पढ़वाओ, बच्चों को बोलो एजुकेशन की इस तरह की तेज़ी से एक अभियान चलाओ, शिक्षा का अभियान चलाओ, और जो कि वहाँ पर पार्कों में बैठे हैं, गली मोहल्लों में बैठे हैं, शिक्षा देनी है उनको, बेसिक शिक्षा देनी है, तैयार करना है। तो ये जो दिल्ली सरकार जो कह रही है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, इनके 3 साल से ऊपर समय पूरा हो गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि हम पूरे समाज में घूमते हैं, पूरे इलाकों में घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें तो स्कूल बेहतर दिखाई नहीं दिए। और अभी सबसे बड़ी बात ये कि उसका जो पैमाना है, जो CBSE जो बोर्ड की परीक्षाएँ होती हैं, इस बार भी जो 10वीं 12वीं के स्कूल बहुत ही, जो रिजल्ट हैं बहुत ख़राब आए, एक जगह तो पूरा स्कूल ही फेल हो गया। ये आपका इधर आपका कोई जगह है मंगोलपुरी का, पता नहीं कौन सी साइड में, मैं बता दूंगा अखबार में पूरा है। और एक तो आ रहा नजफगढ़ की तरफ कि वहाँ स्कूल में बिजली नहीं है दिल्ली सरकार के, वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा था कि वहाँ पर उसमें अभी तक बिजली नहीं लगी और बहुत बुरी हालत थी उसकी। तो अभी पीछे जब बारिश हुई थी तो कई सारे स्कूलों को दिखा रहे थे कि वहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ है, सब कुछ है। तो वो कौन सी दुनिया में स्कूल दिल्ली सरकार बना रही है? कोई कोई नई दिल्ली तैयार कर रही है ये दिल्ली सरकार, जो दिल्ली और NCR के क्षेत्र से कहीं दूर होगी तो वहाँ स्कूल बन रहे होंगे। और दूसरा, हम बार बार कह रहे हैं भैया, बिल्डिंगें बनाने से ज़्यादा टीचर, उनको भर्ती करो, परमानेंट टीचर करो, उनकी ट्रेनिंग्स कराओ, टीचर्स की ट्रेनिंग्स कराओ, बेहतर ट्रेनिंग, जिससे कि और ट्रेनिंग करें, ट्रेंड हों और बेसिक एजुकेशन मिले। और दूसरा, दिल्ली सरकार का सिर्फ शिक्षा के उस पर ये झूठ बोलना नहीं है, इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जो सरकार आई थी और जो जन लोकपाल है उसको लागू करने के लिए, अब तो नाम भी नहीं ले रहे हैं जन लोकपाल का, जिसके मुद्दे पे मुख्य रूप से ये दिल्ली के अंदर आए, उसके जन लोकपाल बिल पे भ्रष्टाचार के विरोध जो इन्होंने बनाया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला, वो मूवमेंट कहाँ चला गया, वो जन लोकपाल कहाँ चला गया। और तीसरी बात ये, इन्होंने कहा दिल्ली के, इन्होंने कहा था कि वो कागज दिखा दिखा के शीला दीक्षित जी के खिलाफ कि ये NDPI, ये जो दिल्ली की बिजली कंपनी है अंबानी की, ये सब इनके साथ इनकी मिलीभगत है और उनके रेट ज़्यादा हैं, दिल्ली सरकार मिलीभगत से रेट उनके ज़्यादा कर रही है और शीला दीक्षित मिली हुई है, इसको जेल भेजूंगा, वो कागज़ दिखा रहे थे, वो कागज भी गायब हो गए। और दूसरा, आज तक रेट कम नहीं हुए, इन्होंने सब्सिडी दे दी लेकिन रेट कम नहीं किए। सब्सिडी तो दिल्ली सरकार पहले दे रही थी, शीला दीक्षित जी की सरकार, वो 200 यूनिट की दे रही थी, इन्होंने 400 की कुछ दिन करी, वो भी रिवर्स हो गई है। और उसमें भी इन्होंने नया फार्मूला कर दिया कि जो फिक्स चार्जेस, जो 1 रुपया 2 रुपया 1.5 रुपया होता था, उसको 150 रुपये 100 रुपये इस तरह से कर दिया, और बिल आज हालात खराब हैं। और दूसरा, रेट कम नहीं हुए, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं समझाना चाहता हूँ इस बात को, मैं हर जगह जोर दे के कहता हूँ जनता को कि भाई रेट कम होना, रेट कम होने का मतलब है कंपनी का मुनाफा कम,
और अगर 2 रुपये यूनिट अगर बिजली है, अगर वो केजरीवाल साहब कहते थे कि भाई हम इसको आधा करूंगा, वो 1 रुपये हो जाती तो उसका कंपनी का जो मुनाफा था उसमें कमी आती। उल्टा आप उसका मुनाफा तो कमा ही रहा है, वो उल्टा सब्सिडी के रूप में आप उसका भरपाई और कर रहे हो। 250-300 करोड़ रुपया जो महीने का जा रहा है उसकी जेब में जा रहा है, जो सरकार जो पैसा दिल्ली के जो पुनर्वास कॉलोनियों की बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए था, अनुसूचित जातियों के स्वरोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च होना था, वो आप उसको उनको दे रहे हो, बिजली कंपनियों को दे रहे हो। आपने पानी के अंदर गड़बड़ की, आपने कहा 20,000 लीटर तक आप पानी देंगे, लेकिन तो आप निजी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं पानी को। अभी पीछे हम पिछले गर्मियों में हमने बुराड़ी में हमने पूरा गए गाँव का वहाँ इलाकों में, तो दिल्ली के बुराड़ी के इलाके में वहाँ पर पानी नहीं है वहाँ। और जब हमने अधिकारी से बात की, वो कह रहे जी पानी पीछे से कम आ रहा, तो हम पहले पोस इलाकों में दें या पहले झुग्गी झोंपड़ी में दें? तो इस तरह की हालात जो बने, वो हालात हमने खुद उस पर सर्वे किया, तो कहाँ बिजली कहाँ पानी। और दूसरा अब एक और सोचा छोड़ दिया कि 1 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी, पता नहीं कौन से प्लांट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब गुमराह करने वाली बात है, कोई कोई एजुकेशन पे कोई सुधार नहीं है, बिजली पानी में कोई सुधार नहीं है, लूट है। और लूट भी किसकी? उस गरीब समाज की, जो SC ST कंपोनेंट, जो फाइनेंशियल जो ईयर का जो फंड होता है, जो बजट होता है, उसके उसके हक का पैसा मारा जा रहा है। देखिए 54,000 करोड़ रुपए का बजट, अनुमानित बजट है 2018-2019 का, जो अभी इन्होंने केजरीवाल साहब ने दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया है। और दुख की बात यह है कि 54,000 करोड़ रुपए में से 1,126 करोड़ रुपया कुल SC अनुसूचित जाति को SC ST के लिए वो दिया है, उनके एजुकेशन उसके लिए, और 50,000 रुपया खाली उसके लिए, जो बड़ा हल्ला मचा रहे थे भवंडर कि हमने जी अनुसूचित जातियों के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें वो कोचिंग लेने के लिए IAS IPS और इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग इनके लिए सब कोचिंग लेने के लिए 50 करोड़ रुपया खाली रखा है। आप ये बताए ना कि क्या मजाक हो रहा है 54,000 करोड़ में, जबकि संविधान में प्रावधान है कि जनसंख्या के आधार पे SC ST कंपोनेंट जो बजट होगा, जो फंड होगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो उनकी जाति उसकी जनसंख्या के आधार पे होगा। जबकि 2011 की जो जनसंख्या के उसके मापदंड भी ले लें, जो जनसंख्या काउंट हुआ है उसके आधार पे भी दिल्ली में 19% थी उस समय। उस समय जो दिल्ली की अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या है वो 19% है, और आज बढ़ के वो 27% हो चुकी है, क्योंकि जो डाटा है पहले उस समय 1.25 करोड़ के करीब थी, 1 करोड़ कुछ 25 लाख कुछ ऐसी थी, आज 2 करोड़ 70 लाख के ऊपर दिल्ली की आबादी पहुंच चुकी है। क्यों? हर 10 साल में वो जनसंख्या गणना होती है, जनसंख्या की जो काउंट होता है, तो अब 10 साल बाद होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी हालात में 27% है, तो 27% के हिसाब से 54,000 करोड़ में आप हमारा पैसा दो भाई, कहाँ 54,000 करोड़ में हमारा 27% काउंट करके हमें दो SC ST कंपोनेंट प्लान, ये हमारे घर का थोड़ी संविधान ने बनाया। और दूसरी बात ये कि जो 1,126 करोड़ रुपया अभी आपने रखा है, मैंने पिछले साल का देखा, इन्होंने 1,010 करोड़ रुपया कुछ ऐसे रखा था, उसमें से खाली 2,500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने खर्च के दिखाया है, बाकी पैसा वापस रिवर्स हो गया, वो बाकी पैसा कहाँ गया? और दूसरी बात ये कि जब आपने पहले तो इतना कम बजट रखा है, दूसरा आपने बजट रखा तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किया उन लोगों के स्वरोजगार पे, उन लोगों के छोटे छोटे व्यवसायों के लिए, और उनको परंपरागत कामों से हटा करके उनको टेक्निकल एजुकेशन देके नए दूसरे रोजगारों में क्यों नहीं आपने किया? उनकी शिक्षा, बेहतर शिक्षा के लिए क्यों नहीं किया? जब कॉमर्शियल शिक्षा हो चुकी है तो भाई DPS में हमारे बच्चों की फीस सरकार भरे ना, हम सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे जहां पर ना मास्टर है, ना पानी का है, ना वहां पर शौचालय है, ना वहां पर पार्क है, ना वहां पर बैठने के लिए बेंच है, ना कंप्यूटर है, ना वहां पर कोई सुविधा है, तो हमारे बच्चे उस स्कूल में क्यों पढ़ेंगे भाई? हमारे बच्चों को DPS में पढ़ाओ ना, वहां फीस भरे सरकार, और हमारा पैसा आप अंबानी को दे रहे हो, बिजली कंपनी को दे रहे हो, आपने रेट कम क्यों नहीं किया? क्यों आपने सब्सिडी दी? आप क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? तो हमारा कहने का मतलब ये खासतौर पे दिल्ली सरकार, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जब ये यूथ फॉर इक्वलिटी की लड़ाई लड़ रहे थे इससे पहले, केजरीवाल साहब इनका पूरा एक संगठन जो पूरा रिजर्वेशन के खिलाफ और पूरा ये संविधान के खिलाफ जो कैंपेन करते थे, वो आज इन्होंने जिस संविधान के खिलाफ लड़ाई ये करते थे कि संविधान खराब है, इसको खत्म करना चाहिए, उसी संविधान की बदौलत ये आज आम आदमी पार्टी बना करके ये सत्ता में है। अगर वो संविधान में बहु पार्टी बनाने की अगर बाबा साहब ने छूट नहीं दी, आजादी नहीं दी होती, तो क्या सत्ता में आ पाते?
इनको जूते मार के भगाया जाता। आज ये लोग वो मानसिक रूप से हैं जो आम आदमी कहते हैं, ये आम आदमी नहीं है, सिविल सोसाइटी, वो सोसाइटी जो घृणा करती है अनुसूचित जाति से, गरीबों से, वर्कर से, ये उस सोसाइटी के लोग हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये केजरीवाल साहब, ये सब ये अपना उसका मायावी लोग हैं, ये जो अपना रूप धारण करके दिल्ली में डेढ़ वोट का आदमी और हमारे 27% वोटर इनसे भीख मांग रहे हैं, बजट के लिए भीख मांग रहे हैं, इनसे एजुकेशन के लिए भीख मांग रहे हैं, रोजगार के लिए भीख मांग रहे हैं, इनसे टिकट के लिए भीख मांग रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। इसीलिए हम कह रहे हैं भैया दिल्ली में 27% वोटर आपका है, 27% आप तो खड़े हो जाओ मजबूती से दिल्ली सरकार में, आपकी सरकार, आप खुद मुख्यमंत्री मंत्री बनो। और 27% किसी एक अनुसूचित जाति की, मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनुसूचित जाति की 36 जातियों की बात कर रहा हूं जो अनुसूची है दिल्ली सरकार के अंदर, वो 36 जातियां सब एक होकर के, यही हमारा कैंपेन है कि हमने कहा 2020 में दलित मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, मतलब ये कि बहुजनों में वो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट भी आ जाएंगे, प्लस अनुसूचित जातियों की 36 जातियां। तो हमने ये कहा कि भाई ये 2020 में नारा दिया है कि अब की बार दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, क्योंकि अब हम खुद लेंगे, अब हमें किसी पे वो नहीं है, विश्वास नहीं है। अब हमारी जब जनसंख्या दिल्ली में है तो दिल्ली में अपनी सरकार क्यों ना बनाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अपने अनुसूचित जाति से भाई, और ठेकेदारी का बताओ, ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध इन्होंने पूरा लिखा है इनका, मैंने वो पूरा निकाला हुआ है जो इनका घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र, इन्होंने लिखा है कि हम ठेकेदारी खत्म करेंगे। वो ठेकेदारी क्यों नहीं खत्म हो रही? आप कहते हो जी MCD नहीं करने दे रही, आप कह रहे हो कि जी केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, आप कह रहे हो जी कि वो गवर्नर टांग अड़ा रहा है। भैया तुमने क्यों कहा था कि भी अपने घोषणा पत्र में लिखा, हम अभी कोर्ट जाने वाले हैं हाईकोर्ट इसके खिलाफ कि भैया दिल्ली में जो झाड़ू का निशान लेके सफाई कर्मचारियों को आपने गुमराह किया, और आपने स्पेशल ठेकेदारी के अलग जो रेगुलर ठेकेदारी है जिसमें हर एक इम्प्लॉई आते हैं, उसके अलावा इन्होंने इनका जो 61 नंबर कुछ नंबर इनका क्लॉज है उसमें, इनके जो इन्होंने अपना मैनिफेस्टो किया है दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का, उसमें इन्होंने लिखा है कि सफाई कर्मचारियों को स्पेशल तरीके से उनको टेक्निकल एजुकेशन, उनको बेहतर इक्विपमेंट, उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, प्लस उनको पक्का परमानेंट ठेकेदारी से हटा के परमानेंट करने का उन्होंने क्लॉज उसमें डाला हुआ है, वो क्यों नहीं किया अभी तक भाई आपने? तो वो सब चीजों पे ना ध्यान दे करके अब ये एक गंदी जो पॉलिटिक्स है सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर आपने ब्रिज कर दिया, तो भाई उससे मेरा क्या, उस आम मजदूर का क्या? वो तो खुल गया, वो तो रेगुलर रूटीन के काम है। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में सरकारें ब्रिज बना रही हैं, रोडें बना रही हैं, तो इतना जबरदस्त तरीके से तो मैंने देखा नहीं कि इतने घटिया तरीके से वो कोई सरकार उसका इतना बड़ा कैंपेन प्रचार करके कि हमने सिग्नेचर ब्रिज क्या बना दिया, हमने तो आसमान से तारे तोड़ लिए, पता नहीं क्या कर दिया। और दूसरा, ये आपका ब्रिज नहीं है, आपने तो रूटीन में पैसा खर्चा किया है, तो पुरानी सरकार की प्लानिंग थी। आप ये बताओ ना, आपने कौन सी प्लानिंग की है? आप ये बताओ कि जो पुनर्वास कॉलोनियों में जो अनुसूचित जाति का बहुमत तबका आज भी रह रहा है, वहां जानवरों की तरह रह रहा है, इतनी गंदी जिंदगी जी रहा है, आप उन कॉलोनियों को कहो कि इनको बढ़िया बढ़िया फ्लैट बना के, बढ़िया बढ़िया इनको बड़ी बड़ी जगह देंगे, 25 गज से 12 गज से हटा करके अब इनको हम बेहतर चार चार फ्लैट कमरों के फ्लैट देंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे और ये सलम खत्म करके हम नई दिल्ली को बसाएंगे। आपने कौन सी प्लानिंग की है? आप पिटी पिटाई लाइन पे अच्छा काम हो जाए तो हमने कर दिया, और जो काम ना हो तो LG नहीं करने दे रहा, BJP नहीं करने दे रही, RSS नहीं करने दे रही, या कोई दुश्मन नहीं करने दे रहे। अभी इन्होंने एक योजना बनाई, ये बड़े विद्वान बनते हैं, अभी इन्होंने डोर टू वो कौन सा कि डोर स्टेप वो डिलीवरी डोर स्टेप तक की वो फेल हो गई, उसमें 1000 करोड़ रुपए फूंक दिए इन्होंने बेपजुल में। ये इस तरह के बेहुदा ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दिल्ली की जनता के पैसे का, जो गरीबों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, अनुसूचित जातियों का पैसा है, उसको उन्होंने लगा दिया। अब कोई नाम ले रहा है उसका भी इन्होंने बड़ा प्रपंच किया, इतना पैसा तो इन्होंने उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, इतना ड्रामा करके कहां गई वो योजना डोर स्टेप तक, कहां चली गई, कहां गायब हो गई? उसको कहते हैं जी वो BJP वाले फोन कर रहे हैं इतने, अरे भैया दिल्ली में तो जब दिल्ली सरकार, आपने कहा कि ये इतनी 40-44 जो योजना है, ये जो आप इसमें डिलीवरी ले सकते हो, तो अब तो उसमें जो दिल्ली के अंदर जो भी आएगा बॉर्डर के अंदर, वो चाहे BJP का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे जनता दल का, BSP का, कोई भी, तो दिल्ली का नागरिक फोन करेगा, भाई मुझे राशन भेज दो, या मेरा ये सर्टिफिकेट बना दो, या मेरा ये यहाँ पर बिजली का मीटर लगना है इसका फॉर्म भर दो, तो वो तो करेंगे ही फोन। आपने प्रॉपर तरीके से, आपको इतना आपको ज्ञान नहीं है कि आप इतने बुद्धिमान पढ़ते हैं? लोग कहते हैं जी वो कमिश्नर वहां से छोड़ के आया जी, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स का, पैसे कमाने हो तो वहां कमाते। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल
उसका है कि आप सरकार कैसे चलाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन को आप करके आप कैसे सरकार चलाओगे। और दिल्ली में आपको पता है कि भाई ये सिस्टम में जो दिल्ली है वो खास तौर पे राजधानी है, और यहाँ पर ना केवल एम्बेसीज मेन है, ना भारत सरकार के अलावा एम्बेसीज और दूसरे तमाम चीजें हैं, वो आपको कैसे पूरी पुलिस और पूरा सिस्टम कैसे दे देंगे आपके हाथ में, जबकि केंद्र सरकार का भी बजट दिल्ली पे खर्चा होता है। आप इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा के ऊपर हमें ज्यादा लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, शिक्षा फ्री शिक्षा और एक जैसी शिक्षा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों पर नकेल लगाएंगे, वो प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से अपनी फीसें ले रहे हैं, मनमर्जी से सारे सेटिंग हो गए, सारा काम चल रहा है। आज वो एक एक स्कूल के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया, एक स्कूल को भी अगर ये सरकारी मैनेजमेंट में तब्दील कर लेते, उसको डिसमिस करके, तो सबकी कान खड़े हो जाते और सारे के सारे अपनी औकात में आ जाते। लेकिन उन्होंने आज कोई ले रहे प्राइवेट स्कूल के खिलाफ बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहा प्राइवेट स्कूल की, और सिसोदिया जी जाके प्राइवेट स्कूल के फंक्शनों में भाषण दे रहे हैं। और एक में तो एक वीडियो डाला, एक उसमें बड़े सुंदर सुंदर बच्चे बैठे थे कि ये दिल्ली सरकार के स्कूल देखो। मैंने उसमें लिखा कि भाई स्कूल का एड्रेस बताओ ये कहाँ, क्योंकि मुझे लगा ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ही नहीं, उनकी ड्रेस उनका सब कुछ देख के मैंने कहा भाई ये दिल्ली सरकार के हैं ही नहीं। तो उसको वहाँ उसके बाद वो हटा ही दिया, वीडियो ही हटा दिया। और दिल्ली सरकार के स्कूल वो अस्पताल ये कह रहे हैं बड़ी अच्छी फ्री वो दे रहे हैं, वहां पे देखो लाइनें कितनी भयंकर लगी हुई हैं, खाली आपने काउंटर पे कर देने से कि मुफ्त आप वो दे रहे हो दवाइयां दे रहे हो, वो उसको लाइन को कौन खत्म करेगा। आप सुबह जाओ LNJP वहां पर OPD के लिए वो महिलाएं लाइन लगा के खड़ी होती हैं, चार चार पांच पांच घंटे वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कौन करेगा भाई। 24 आवर आप OPD क्यों नहीं खोलोगे, आप 24 घंटे OPD की व्यवस्था क्यों नहीं करोगे। दुनिया भर के डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं, दुनिया भर के नर्स, दुनिया भर के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आप एक OPD को 24 आवर करो ना, क्यों नहीं करते हो। तो ये सब कहने की कि एक नई राजनीति जो शुरू करनी चाहिए थी, जिससे उम्मीद थी वो नहीं हुई। दिल्ली सरकार अपने तमाम कामों में फेल है, और बिजली का पैसा हमारा भैया, हमें तो पूरे 3 साल का पैसा चाहिए जो इन्होंने सब्सिडी के रूप में दिया है उनको, बिजली कंपनी को। इन्होंने वादा किया था हम रेट कम करेंगे, यूनिट का रेट कम करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा था सब्सिडी देंगे। तो ये हमारा कहना है।